राष्ट्रीय लोकदल की महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष एडवोकेट प्रियंका अत्री जी की तरफ से सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखें क्या बोली प्रियंका अत्री जी। नमस्कार आप सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को और मेरे परिवारजनों को, मेरे दोस्तों को, बुजुर्गों को, सभी को मेरी तरफ से नववर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं एडवोकेट प्रियंका अत्री। आज नए साल 2024 का पहला दिन है और सभी जाति धर्म भेद सब कुछ अपने मन से द्वेष भावना मिटाकर नए साल का आनंद लो, आपस में खुशी खुशी मनाओ। चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसे उसके उससे मत तोल के उसके साथ गलत बर्ताव करो, गलत आचरण करो, सबके साथ सही आचरण करो। और जाति धर्म भुलाकर, विशेषकर मैं जाति धर्म की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमने अपने समाज को जाति धर्म में इतना ज्यादा उलझा दिया है, इतना ज्यादा बांट दिया है कि हम आपस में प्रेम से बात भी नहीं करना पसंद करते। लोग हमसे या दूसरे से किसी से भी डरते हैं बात करने से, जाति धर्म की वजह से। तो मैं कहना चाहूंगी आज नया साल है तो हम कोई भी इस तरीके की बुराई है समाज में, परिवार में या हमारे अंदर या आपके अंदर, तो उसको दूर करने का प्रयास करें और बहुत ही अच्छे तरीके से, प्रेम से, सबको समान समझते हुए नया साल मनाइए। तो एक बार फिर आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम बांटते रहिए।